अब हम यहाँ पे एयर में देखते हैं कि कौन सी वॉच मेजर करती है और कौन सी वॉच यहाँ पे नहीं बताती है। सो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपॉक पे। मुझे लगा कि एक पुरानी वॉच के साथ भी इसका कंपैरिजन करना चाहिए, बोल्ट फायर 360 का। तो आज मैं यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 2 के साथ इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ। जब ये वॉच लॉन्च हुई थी नॉइस की बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, यहाँ पे 2019 में ये लॉन्च हुई थी, मतलब 2019 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। और इसका जो प्राइस था वो आई गेस 3400 या 3500 रुपये था। मैंने इसको एग्जैक्टली लिया था 3200 रुपये में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी वॉच बेटर है। क्या आपको यहाँ पे 1500 एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए, रुपये देने चाहिए, या आपको नॉइस कलर फिट प्रो 2 की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं आया है। अमेजिंग वॉच की क्वालिटी है यहाँ पे, बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। अगर प्लास्टिक जो यूज़ किया गया वो भी इसमें कहीं ना कहीं बेटर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी कमी लगी वो है इसके वॉच फेसेस अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं। 1.5 साल में कोई भी इसका अपडेट नहीं आया, मतलब नॉइस ने कहीं ना कहीं इसका अपडेट लॉन्च ही नहीं किया। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पे ऑल इन ऑल आपको मेटल मिलता है पूरा का पूरा, जो कैबिनेट है ऊपर की साइड का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो आपकी यहाँ पे जो बटन है वो भी आपकी मेटेलिक मिलती है, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये भी आपको मेटेलिक ही मिलती है। और पीछे की साइड आपको पॉलीकार्बोनेट का मिलता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नॉइस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऊपर की साइड 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज़ किया गया है, साथ में यहाँ पे पीछे की साइड सेंसर्स मिल जाते हैं और पॉलीकार्बोनेट का ओवरऑल पूरा का पूरा बिल्ड है इसका। और यहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ट रेट स्कैनिंग ही मिलता है और यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग पिन्स मिल जाती है और यहाँ पे आपको हार्ट रेट स्कैनिंग, बीपी मॉनिटर और साथ में SpO2 मॉनिटर भी मिल जाता है। तो गाइज अब एक एक करके फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं स्ट्रैप की क्वालिटी बता दूँ आपको। यहाँ पे आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, यहाँ पे आपको TPU स्ट्रैप मिलता है। तो सिलिकॉन स्ट्रैप ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को TPU से, ये स्किन फ्रेंडली भी है और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वेट भी होता है। अब हम बात करें यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे, यहाँ पे आपको मैसेज दिखता था, यहाँ पे आपको टॉगल्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे आप नीचे से स्वाइप करते हो यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड से यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे यहाँ पे आपको जो टॉगल्स हैं वो मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक यूनिक मेन्यू मिल जाता है जो कि सर्कुलर मेन्यू और हैप्टिक फीडबैक देता है ये। और राइट साइड में स्वाइप करने पे आपको प्रॉपर मेन्यू मिल जाता है और यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है ये फंक्शंस दोनों के ही। अब हम बात करते हैं एक एक फीचर एंड फंक्शन की। तो नीचे की साइड से इसको स्वाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, रनिंग है, वॉकिंग है और साथ में यहाँ पे बाइक है, हाइक है और क्लाइंबिंग है, ट्रेडमिल है, स्पिनिंग है, योगा है। यहाँ पे 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आई गेस 9 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग में जाते हो आप, ट्रेनिंग में यहाँ पे वॉकिंग है, रनिंग है, यहाँ पे साइकिलिंग है, स्किपिंग है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग का मोड भी मिलता है। तो यहाँ पे IP68 की रेटिंग है, बट यहाँ पे जो आपकी IP68 की रेटिंग है वो अप टू 380 तक ही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और भी फीचर्स की, तो यहाँ पे बैक चल के हम और भी फीचर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, बीपी मॉनिटर मिल जाता है, SpO2, वेदर, शटर, प्लेयर, ब्रीद, गेम्स, फ्लैशलाइट, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको हार्ट रेट स्कैनिंग मिलता है, ब्रीद मिलता है, अलार्म मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, स्टॉप वॉच, सेटिंग्स और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, दैट्स इट। यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ, फाइंड माई फोन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो एडेड एडवांटेज है, जो कि आपका इसमें मिसिंग है। इसमें आपका फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है आपकी वॉच में, मतलब आपके एप्लीकेशन में ही। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फीचर्स एंड फंक्शन मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे हार्ट रेट को चेक करेंगे, वो भी सरफेस पे सबसे पहले। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लीनली यहाँ पे दिख सके। तो यहाँ पे दोनों में स्कैन हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे कौन बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉइस कलर फिट प्रो 2 बता रही है 57 और यहाँ पे भी 86 बता रही है आपकी बोल्ट 360। तो यहाँ पे दोनों ही सरफेस टेस्ट को फेल कर चुकी हैं। अब हम यहाँ पे एयर में देखते हैं कि कौन सी वॉच मेजर करती है और कौन सी वॉच यहाँ पे नहीं बताती है। तो यहाँ पे प्लीज रिवियर बोल दिया है और यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 2 स्कैन कर रही है एंड यहाँ पे 17 बता रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल उठता है। ये सरफेस पे भी फेल हो जा रही है और यहाँ पे एयर में भी फेल हो जा रही है। अब मैं इसको पहन के दिखाया था दोनों ही वॉचेस को, कौन सी बेटर लगती है आपके हाथ में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दोनों ही वॉचेस को यहाँ पे पहन लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हार्ट रेट स्कैनिंग का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ट रेट को चेक कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे देख सकते हो जो आपका नॉइस कलर फिट प्रो 2 है इसमें 86 दिखा रहा है और यहाँ पे जो बोल्ट है 360 वो आपकी 83 दिखा रहा है। तो यहाँ पे दो यूनिट का ही फर्क है, एज इट इज सिमिलर ही आपको मिल जाती हैं। तो और कोई टेस्ट परफॉर्म करने का यहाँ पे मकसद नहीं उठता है, मतलब नहीं उठता है, क्योंकि इसमें नॉइस कलर फिट प्रो 2 में आपका बीपी मॉनिटर और
यहाँ पे आपका SPO2 मॉनिटर नहीं मिलता है, तो यहीं पर ही हम इसको वाइंड अप करते हैं वीडियो को। और उसी के साथ साथ दोनों में ही आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन सपोर्ट है वो ज़्यादा बेटर लगा है मेरे को बोर्ड 360 का। यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आप लगा सकते हो, यहाँ पे आपको वॉच फेसेस अवेलेबल नहीं है, ना ही आप अपना वॉच फेस लगा सकते हो। यहाँ पे मिनिमम वॉच फेस मिलते हैं, इसको होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपका चेंज का ऑप्शन आ जाता है। आई गेस ये देख सकते हो आप, ये सिर्फ इतने ही वॉच फेस मिलते हैं आपको, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड आपको ज़्यादा वॉच फेस मिल जाते हैं आई गेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको ज़्यादा वॉच फेस मिल जाते हैं यहाँ पे, और गैलरी में से कोई भी इमेज को वॉच फेस लगा सकते हो। तो ये था मेरा एक स्मॉल सा कंपैरिजन नॉइस कलरफिट प्रो 2 के लिए और साथ में यहाँ पे बोल्ट फायर 360 के लिए। अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी या क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको कौन सा कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे को वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो कंपैरिजन लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।